गुड मॉर्निंग पीपल। आज आखिरी दिन, होटल से चेकआउट कर लिया है एंड आई एम वॉकिंग डाउन द लेन। मुझे चर्च जाना है। रात को मुझे किसी ने बताया था कि यहाँ पे एक चर्च है, एक बहुत पुराना स्कूल है एंड आई एम वॉकिंग टुवर्ड्स दैट। कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसी जगह घूमने आऊँगा, एक ऐसी जगह जिसका मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था। छोटा सा गांव, चारों तरफ कुदरत की खूबसूरती और दिल को छू लेने वाला माहौल। फिर आखिर कोई क्यों नहीं आना चाहेगा यहाँ पर। मुझे हमेशा से ही ऐसी जगह पसंद रही है। बचपन भी कुदरत की खूबसूरती से भरे माहौल में ही बीता था, हरे भरे खेत और पहाड़। बचपन से ही आदत सी हो गई थी इन सब की और दिल्ली में रहकर ये सब मैं बहुत मिस करता था। इसलिए वीकेंड पर अपना बैकपैक करके मैं यहाँ हिमाचल की खुशनुमा वादियों में खुद को खोने के लिए चला आता हूँ। चर्च में थोड़ी देर वक्त बिताने के बाद मैं वापस रोड पर आ गया। फिर से बस यूं ही चलने के लिए और बस चलते रहने के लिए, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी बोझ के, बस चलते रहना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, बस चलते जाना। उन अनजान रास्तों को छोड़ मैं गांव की तरफ बढ़ने लगा। मैंने अपनी जिंदगी के कुछ साल गांव में ही बिताए थे जो मुझे हर कदम इस गांव में याद आ रहे थे, जैसे मैं फिर से उस गांव आ गया हो। वहाँ के लोग भी कुछ ऐसे ही थे। वो भी एक छोटा सा गांव था। ये गांव भी अपने अंदर एक दुनिया समेटे है। इस गांव के लोग, जिनके चेहरे पर जिंदगी जीने का एहसास था, वो अपने आप में जिंदा दिली की एक मिसाल है। यहाँ लोग हर पल में खुशी को जीते हैं और हम खुशी के पलों को ही तलाशते रहते हैं। कोई बहुत कुछ पाकर भी खुश नहीं रहता, तो कोई थोड़ा सा पाकर भी बहुत खुश रहता है। कई बार ये रास्ते इतने अजनबी हो जाते हैं कि न जाने किस मोड़ ला छोड़ देते हैं। कितना अच्छा हो कि जिंदगी बस यूं ही चलती रहे, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी डर के। बस एक खाली रास्ता हो और मंजिल तक पहुंचने की एक उम्मीद, एक ऐसी उम्मीद जो हर कदम ये एहसास दिलाती रहे कि हम अपनी मंजिल के कितना करीब आ गए हैं। मगर हकीकत ये है कि ये सिर्फ एक कल्पना है। आप कहीं भी घूमने चले जाओ, आपको वापस वहीं जाना होता है जहां से आपने इस सफ़र की शुरुआत की थी। खैर, वापस पहुंचकर कभी ना कभी एक नए सफ़र की तैयारी करना और फिर से उन गुमनाम राहों का मुसाफिर हो जाना, बस यही फितरत रह गई है अपनी। ज़िंदगी का ये सफ़र यूं तो ख़त्म नहीं होगा, मगर किसी अनजान राह पर यादें समेटने के लिए दिल में एक उम्मीद हमेशा जिंदा होनी चाहिए। ये जो पल हमारी मुट्ठी में कैद हैं, ये आज हैं, कल का कोई भरोसा नहीं। इसलिए जितना हो सके आज की ज़िंदगी को आज ही जी लेने में मज़ा है। कल की शुरुआत एक नए कल से करेंगे।